हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम। तो आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और टीचर वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ की तरफ से। दोस्तों, हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, कितना स्टिपेंड मिलने वाला है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और बात करेंगे डिटेल्स में। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसे मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है नर्सिंग में, और यहाँ पर एक प्रदर्शक यानी डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है यहाँ पे आपकी नर्सिंग में, और यहाँ पे आपके जो सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसकी जो दोस्तों लास्ट डेट है वो 14/1/2022 है, और ये आपकी वैकेंसी 16/12/2021 को पब्लिश हो चुकी थी। तो आपके पास अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जाके इसे तुरंत अप्लाई कीजिए, और यहाँ पर आपको एक अच्छा स्टिपेंड मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है, इस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कैसे इसे अप्लाई करना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, और यहाँ पे आपकी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं वैकेंसी के अनुसार तो यहाँ पे हो सकता है, उन्होंने बताया कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वरना यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मिनिमम मार्क्स आपको लाने कंपलसरी हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 33% मार्क्स लाने हैं, वहीं पर शेड्यूल और ST कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 23% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, और अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा, वरना यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, नीचे चलेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे आपका जो पे लेवल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पे लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे 13th पे लेवल रहेगा जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 67,300 से लेके यहाँ पे 213,100 तक का आपका दोस्तों पे रहने वाला है। ये दोस्तों यहाँ पे सहायक प्रधानाध्यापक कह सकते हैं यहाँ पे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों आपकी पोस्ट है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी मेंशन की गई है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसे देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या जो है वो 100% महिलाओं के लिए जो आरक्षित है, तो फिर आरक्षित ही स्पेशल बता दिया गया है। भारत के यहाँ दोस्तों कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। और यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 33 हैं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए। यहाँ पे दोस्तों आपके ये पद हैं, इन्हें आप अपना अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा, आपकी क्वालिफिकेशन किस आपने डिसिप्लिन से कंप्लीट की है तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो आपके डेमोन्स्ट्रेटर के पद हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो टोटल पद हैं यहाँ पे ये आपके 58 हैं, टोटल यहाँ पे जो आपके पद होंगे वो 91 हैं, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और डेमोन्स्ट्रेटर के पद यहाँ पे 91 है, और यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटर के पद हैं वो 58 हैं। यहाँ पे जो दोस्तों आपका पे लेवल रहने वाला है वो यहाँ पे 12th रहेगा, यहाँ पे आपके 56,100 से लेके 177,500 तक का आपका दोस्तों पे रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन है वो उनके पास पीजी होनी चाहिए उसी डिसिप्लिन से, और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अदर स्टेट्स हैं तो आपके वहाँ का उस स्टेट से आपका पंजीकरण होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका दोस्तों पीजी होना चाहिए, अगर आपके पास पीजी नहीं है तो आपके पास दोस्तों 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, क्लिनिकल या शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास यूजी होना चाहिए आपकी उसी संबंधित ब्रांच से। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दोस्तों इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपकी आयु है उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो एज रहेगी वो 25 से 35 वर्ष के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 38 वर्ष मैक्सिमम एज है यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स हैं उनको, उनके लिए यहाँ पे दोस्तों 38 ईयर्स एज रखी गई, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ चीज़ों में छूट मिल जाती है तो उनके लिए यहाँ पे 38 है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप इसे नोटिफिकेशन का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आप अगर इसमें से किसी भी प्रकार का आपको लाभ मिल रहा है तो यहाँ पे आपको आपकी जो एज है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेंगे नीचे पे आरक्षण के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको अनरिजर्व कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपकी जो गिनती है वो की जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे साक्षात्कार के बारे में बताया गया है कि इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन लिया जाएगा। फिर जो दोस्तों इसके शुल्क के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो दोस्त छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको यहाँ पे 300 फीस पे करनी है SC ST और OBC के लिए कैंडिडेट्स को। और वहीं पे जो छत्तीसगढ़ के OB जनरल कैटेगरी के और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों 400 फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पे करेक्शन की भी डेट दी जाएगी। अगर आप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपने कुछ गलत उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया है तो दोस्तों आप 100 रुपये दे के वहाँ पर सुधार करके मतलब आपका जो ओपन लिंक दिया जाएगा आप उसमें अपनी त्रुटि जो है वो सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया जैसे कि यहाँ पे आप अपनी केवल जन्म तिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास और आपकी डिसेबिलिटी एंड भूतपूर्व सैनिंग, अगर इससे संबंधित कोई त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हैं। बाय द वे आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना जब फॉर्म भरिएगा तो थोड़ा सावधानी पूर्वक भरिएगा, कोई गलती ना हो ये उम्मीद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया यात्रा व्यय भी का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के निवासी जो है OBC SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक आपका सामान्य टिकट जारी किया जाएगा जिसे आपको एप्लीकेशन भरना होगा। यहाँ पे दोस्तों बात की गई है कि जो आपकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा अगर आवेदन पत्र आ जाएंगे तो यहाँ पे परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से फिर आपका चयन होगा। पहले परीक्षा की जाएगी, फिर आपका साक्षात्कार लिया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो परीक्षा का सिलेबस है वो दोस्तों बाद को प्रकाशित किया जाएगा, तो आप इनके ऑफिशियल साइट चेक करते रहिए। और वहाँ पे दोस्तों कोई भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो इन्होंने बताया कि ऑफिशियल साइट पे ही मेंशन किया जाएगा, आप ऑफिशियल साइट रेगुलर विजिट करते रहिए। और कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 10 दिन पहले आपको, इंटरव्यू के 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप इनके ऑफिशियल साइट रेगुलर चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि कुल 100 अंकों का होगा, और मैंने आपको पहले बताया कि 33 अंक मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लाने होंगे, और वहीं SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 23 अंक इंटरव्यू में लाने ही पड़ेंगे, तभी आपके आगे चल के आपके जो मतलब सिलेक्शन है उस पर विचार किया जाएगा। सिलेक्शन वही हुआ जैसे जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनका वहाँ इंटरव्यू में जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन मिनिमम आपके 23 और 35 मार्क्स आपके 33 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। ये दोस्तों ऑफिशियल साइट फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल साइट दी गई है, आप इस पर जाके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अगर आपके पास इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है तो आपका अभ्यर्थन जो है वो बाद को भी निरस्त किया जा सकता है। अब कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों चलेंगे इसके यहाँ पे, और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन पूर्व आपको बता दिया जाएगा, ऑफिशियल साइट पे मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप मोबाइल के सहारे मत रहिएगा कि या ईमेल ID के सहारे मत रहिएगा कि आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे हालांकि दिया गया है लेकिन उन्होंने कहा है कि आप अच्छा होगा कि आप रेगुलर साइट विजिट करते रहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके ID प्रूफ हैं, आप इनमें से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे, कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये इसके ऑफिशियल साइट है और मैंने पहले से ओपन कर रखी है, अगर आपको नहीं पता है कि इसका ऑफिशियल साइट का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे तो इसके हेडर पे आप देखेंगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करके यहाँ पे ये देखिए मेंशन किया गया है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में राइट साइड में लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग 2021 के लिए दोस्तों ये आपकी पोस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको ये नंबर 2 पे आपकी जो जिसमें वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे मेंशन की गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 पोस्ट मेंशन की गई, एक तो क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टीजमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग, तो आप अगर एडवर्टीजमेंट चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नंबर 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड करना चाहते हो आप तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर अपना जो कैंडिडेट्स नेम है वो अपना मोबाइल नंबर ईमेल ID मेंशन कर दीजिएगा और आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी वैकेंसी थी और उम्मीद करता हूँ कि ये दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मैं कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों एक अन्य पोस्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
सुस्त रहें, मस्त रहें।